नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि अपने वाराणसी के हथुआ मार्केट में लगता है। तो आज मैं उसी का नज़ारा दिखाने वाला हूँ और आज है नवरात्र का 8वां दिन। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फिलहाल मैं जहाँ से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, ये है लौरावीर चौराहा। हालांकि देखा जाए तो जो सीधे रास्ता है वो चला जाएगा मैदागिन होते हुए मछौदरी के लिए चला जाएगा, और हथुआ मार्केट जाने के लिए देखिए ये रास्ता है। ये सीधे रास्ता हथुआ मार्केट होते हुए, चेतगंज होते हुए, नई सड़क होते हुए जो कि गिरजाघर चौराहा के लिए चला जाएगा। और देखा जाए तो जो मेला जो लगा हुआ है पूरा यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। हालांकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। ये देख रहे हैं रोड के किनारे दाहिने और बाएं साइड, हालांकि देखा जाए तो जो नवरात्र का जो मेला है वह कल से शुरू हो चुका है, यानी कि पिछला दिन जो बीता है, यानी कि कल था सप्तमी, आज अष्टमी, कल हो जाएगा नवमी, यानी कि 3 दिन जो है वो मेला लगता है और काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ रहता है। हालांकि देखा जाए तो आज है नवरात्र का 8वां दिन, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। बहुत से लोग हैं जो कि दो पहिया वाहन से ही चले आए हैं घूमने फिरने, और जिसकी वजह से भी जाम लग रहा है। हालांकि देखा जाए तो इस रास्ते पर 4 पहिया वाहन, भारी वाहन जो कि प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे बस रोड पर आपको 2 पहिया वाहन ही नज़र आ रहा होगा, यानी कि इस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। और आगे जाने के बाद इस साइड आप देखें तो लौरावीर का एक है IMA बिल्डिंग, यानी कि इसी में ब्लड बैंक भी है और इसी में बच्चों का टीका भी लगता है। यहाँ पर आपको आकर पता करना होगा। और आगे ही जाने के बाद बाएं साइड में है चेतगंज पुलिस थाना, यानी इस साइड, वो सामने देख रहे हैं ना। चेतगंज पुलिस थाना का मेन प्रवेश द्वार इस साइड से है, बाएं साइड से। और देखेंगे तो यह अपने वाराणसी का काफी प्रसिद्ध यह पंडाल माना जाता है, और पुलिस प्रशासन की टीम भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको नजर आएगा, जैसा कि उस साइड देख पा रहे होंगे दाहिने साइड में। ये देख रहे हैं दोस्तों, तो फिलहाल हम लोग को पंडाल साइड चलना है तो हम लोग को इसी दाहिने साइड चलना होगा, यानी कि इस साइड। देखिए इस साइड बाएं साइड में है महिलाओं के जाने के लिए, और वही दाहिने साइड में है पुरुष के जाने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं जो कि बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर, तो वीडियो में बने रहिएगा। और सामने आपको बता दें कि यह है पशुपतिनाथ मंदिर का, यानी कि जो नेपाल में जो बना हुआ है, ये उसी का सेम देखा है तो डुप्लीकेट ये कॉपी है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और ये है रात का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। बहुत से लोग हैं जो कि अपने मोबाइल से सेल्फी फोटो खिंचवाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने। ये अंदर दिखाया तो अंदर शो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और फिलहाल देखिए शो खत्म हो चुका है, वहाँ से पीछे से एग्जिट है बाहर जाने के लिए। तो फिलहाल चलिए चलते हैं, और यहाँ पर सामने मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर
जैसा कि आप जानते ही होंगे, सामने शिवलिंग, शिवलिंग के सामने नंदी जी विराजमान, जैसा कि इस साइड देख रहे होंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं। ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ काफी जबरदस्त है, जिसकी वजह से देख रहे हैं काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, काफी ज्यादा चापी चुपा है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। ये खत्म हो चुका है, तो चलिए फिलहाल निकलते हैं हम लोग बाहर। ये देख रहे हैं, ये है अंदर का नजारा कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफी जबरदस्त भीड़ है। तो फिलहाल देखा है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है, बस खाली साउंड तो चलाया जा रहा है। निकलना है और आगे जाने के बाद आगे भी देखेंगे तो कई सारा झूला लगा हुआ है और दुकानें लगी हुई है, और इस साइड देखिए फवारा जो था वह अभी चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है सामने। लाइन से पूरा लगा हुआ है आइसक्रीम की दुकानें। और इस साइड फास्ट फूड की दुकानें सामने, जैसा कि आप देख रहे होंगे चिल्ली पनीर 50 रुपया। चलिए आपको लेकर चलते हैं जहां पर लगा हुआ है झूला। इस साइड से देखिए एग्जिट है, यानी बाहर जाने के लिए, और यह है हथुआ मार्केट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हालांकि देखा जाए तो नवरात्र के समय यह दुकानें जो हैं वो पूरा खुला हुआ है पूरी तरह से। यह देखिए यहाँ पर
चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पर भी स्टॉल लगा हुआ है सामने, जो कि मोमोज की दुकान है, और उस साइड चाट पेटीज और गोलगप्पे का दुकान। हालांकि देखा जाए तो कम जगह, ये साइड देखिए आइसक्रीम की दुकान है, और उस साइड देखिए चौमिन पेटीज मोमो, और इस साइड सामने देखेंगे तो यहाँ पर मात्र देखा जाए तो जो बड़े में जो झूला है वह सामने एक ही है, जो कि ब्रेक डांस, और देखा जाए तो छोटे छोटे झूले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस साइड नाव वाला झूला है, और इस साइड फास्ट फूड की दुकान है बर्गर बिकते हुए, जैसा कि देख पा रहे होंगे। देख रहे हैं अभी भी लाइन पूरा लगा हुआ है झूला झूलने के लिए। और इस साइड में देखिए बच्चों का झूला हेलीकॉप्टर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इस साइड है बुकिंग काउंटर। और देखा है तो हथुआ मार्केट से पिशाच मोचन कुंड है कुछ ही मीटर की दूरी पर वह स्थित है। हमारे यहाँ पाँच दर्शन होगा, लोगों को दर्शन करेंगे लोग जाएंगे, और हमारे बुकिंग जो ठीक है, और देखिए बाहर निकलने के लिए आगे एक गेट है, चलिए वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।